का जो हमारा टॉपिक है वो है अटेंशन स्पैन पे। मतलब अटेंशन स्पैन होता क्या है? बेसिकली अटेंशन स्पैन ये होता है कि एक बच्चा एक टास्क पर कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेट करके उसको कंप्लीट करता है। फटाफट स्विच तो नहीं करता। लाइक जब एक बच्चा बचपन में खेल रहा होता है, आपने देखा होगा टॉयज के साथ खेल रहा हो या किसी चीज़ के साथ भी खेल रहा हो, तो वो उसमें कितना टाइम स्पेंड करता है, फटाफट उसको चेंज कर देता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक काम में उनका दिल नहीं लगता, फौरन फौरन काम स्विच करते हैं, कभी ये चीज़ पकड़ ली, कभी वो पकड़ ली, कभी ये कर लूँगा, कभी वो करूँगा। तो अटेंशन स्पैन बेसिकली बहुत अहमियत रखता है हमारी फ्यूचर लाइफ में भी। जिन बच्चों का अटेंशन स्पैन अच्छा होता है वे फ्यूचर में बहुत अच्छे टास्क कंप्लीट करने वाले और जॉब में और किसी भी जो फील्ड चूज़ करते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो बचपन से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा हो। रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे का अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, वो मोबाइल की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे गेम्स और ऑप्शंस होते हैं और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि गैजेट्स वगैरह हर बच्चे के पास अवेलेबल है और वो फटाफट चीज़ें स्विच करना, उससे क्या हुआ है कि बच्चा जो है वो एक चीज़ पे लग के तो खेलता ही नहीं है। कोई भी टॉय हो, कोई भी चीज़ हो, उसको फौरन उसको चेंज चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि अगर हम बचपन में ही उसको हम लोग अच्छी एक्टिविटी करवाएं तो उसका अटेंशन स्पैन हम बेहतर कर सकते हैं। जिन बच्चों का अटेंशन सही नहीं है, टास्क सही तरह कम्प्लीट नहीं करते, उसके लिए मैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज मैं करूँगी और उसके ज़रिए आप अपने बच्चों का अटेंशन स्पैन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटीज़। हमारी जो ये एक्टिविटी, इसका नाम है स्पॉट द डिफरेंस। हमने क्या करना है, इसमें डिफरेंस जो होता है ना दोनों पिक्चर में वो तलाश करना है। जैसे ये बर्ड है और इसके पास जो है आइसक्रीम है, इसके पास नहीं है, इस तरह का डिफरेंस जो है ना दोनों पिक्चर्स में हमें नज़र आएगा और हमने बच्चे से कहना है आपने इसको फाइंड आउट करना है। चलो ये लो, अब मुझे बताओ इस पिक्चर में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? देखो इधर भी देखो, इधर भी देखो, लेट्स फाइंड आउट। हाँ हाँ बिल्कुल, देखें अब आपने उसके ऊपर सर्कल बना दो। वेरी गुड, आप देख सकते हैं इसकी आइसक्रीम जो है वो उसमें चेंज है, बिल्कुल इसके पास है, इसके पास नहीं है। इस तरह की आपने जो है ना बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है कि आप इसमें से तलाश करो कि कौन से पिक्चर में फ़र्क है। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है अटेंशन स्पैन के लिए, बच्चा बैठ के गौर करेगा, देखेगा, उससे क्या होगा उसका अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी का नाम है स्ट्रिंगिंग द बीड्स। अब हमने क्या करना है इसमें, मेरे पास ये एक, आप कोई भी ले लें, डोरी ले लें, कुछ भी ले लें, थ्रेड ले लें, और ये पाइप जो है मैंने कट की है और इसके अंदर हमने बच्चे को बोलना है कि आपने नेकलेस बनाना है। चलो इसमें आप डिफरेंट कलर के बीड्स ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं और आप बच्चे से कहें कि आपने इसको बनाना है। अब उससे क्या होता है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, प्लस फाइन मोटर एक्टिविटी भी है इस बच्चे की, उसमें अपनी फिंगर्स को यूज़ करना, और उसके साथ साथ बच्चा जो होता है उसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है इस एक्टिविटी में। तो आप ये एक्टिविटी बच्चे से करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का नाम है विच कप। अब हमने क्या करना है, दो गिलास लिए, उसको हमने उल्टा कर दिया और साथ हमारे पास एक कॉइन है। अब मैं इस कॉइन को क्या करूँगी, गिलास ऊपर रखा और मैं इसको मिक्सअप कर दूँगी। अब आपने बताना है कॉइन किसमें, इसमें या इसमें? यस यू आर राइट, ये इस तरीके से क्या होता है बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। आप ये गेम उसके साथ खेलें और बच्चा इसे एंजॉय भी करेगा और उसका अटेंशन जो है अटेंशन स्पैन बढ़ेगा।
एक्टिविटी जो मैं करने जा रही हूँ वो है कलरिंग। इसमें क्या करना है, आपने बच्चों से कलर करवाएं। जब आप बच्चों से कलर करवाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, उसकी अटेंशन स्पैन बढ़ता है, वो टाइम स्पेंड करते हैं, एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करें कि बच्चों से कलरिंग बुक्स मिलती हैं मार्केट में और आप उसे बच्चे को कलर करवाएं और उसे बच्चा एंजॉय भी करेगा और उसका अटेंशन जो है वो एक वो लगाएगा कि हाँ मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। इस तरह छोटे छोटे टास्क हम लोग बच्चों को देते हैं तो वो क्या होता है कि बड़े टास्क कंप्लीट करने के काबिल होता है। तो इस छोटे टास्क कंप्लीट कराने के लिए आप उसे कलरिंग कराएं और इस तरह उसका टेंशन स्पैन बहुत बेहतर हो जाता है। हमारी अगली एक्टिविटी है सीजर कटिंग। इसमें हमने पेपर लिया और ये हमारे पास सीजर है और मैं बच्चों से कहूंगी कि हमने पेपर कटिंग करना है। चलो पेपर कटिंग करो। एक मेथड तो ये है कि आप सिंपल जो है पेपर पे आपने जो कटिंग बच्चों से करवाएं कि आप पेपर कटिंग करो, और सेकंड मेथड जो होता है ना वो ये होता है कि आपने क्या किया इसके अलावा आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने बच्चे से कहना है कि इस लाइन पे ही आपने कटिंग करनी है। इस तरीके से अब वो ट्राई करेगा कि मैं लाइन पे ही कटिंग करूँ, इस लाइन पे कटिंग करो। तो उसे एक और पहले आपने सिंपल पेपर पे उसे कटिंग करवाया कि आप जो है ना सिंपल पेपर पे कटिंग करो, उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, फिर उसको डिफिकल्ट बना दें, ज़िगज़ैग कर दें। तो बच्चा क्या होता है उससे कटिंग, उसको पहला टास्क है कि सिंपल पेपर कटिंग है, फिर सीधी लाइन पे कटिंग करनी है, फिर ज़िगज़ैग पे कटिंग करनी है। तो उसको वन बाय वन एक टास्क मिलेगा, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, उस पर अटेंशन देगा, टाइम स्पेंड करेगा, तो उसका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ थी अटेंशन स्पैन को बेहतर बनाने के लिए। और इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे का अटेंशन स्पैन जो है वो बेसिकली कितने टाइम का होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रफ आइडिया देती हूँ कि 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम जो होता है ना अटेंशन स्पैन का 4 to 10 मिनट्स होता है, और जो 3 ईयर्स का बेबी होता है उसका जो है ना अटेंशन स्पैन का टाइम 6 to 15 है, और 4 ईयर्स का 8 to 20 है, और 5 ईयर्स जो किड होता है उसका टाइम अटेंशन स्पैन का 10 to 25 मिनट्स है अप्रॉक्सीमेटली। इसके बीच बीच में बच्चे का जितना टाइम अटेंशन स्पैन का होता है कि उतना टाइम देगा अपने टास्क कंप्लीट करते हो, मतलब 2 साल का बच्चा 4 से 10 मिनट तक एक चीज़ के साथ बैठ के खेल सकता है, उस पर बैठ के खेलेगा, फटाफट स्विच नहीं कर रहा। सो आप इस तरीके से अपने बच्चों का अटेंशन स्पैन का टाइम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।